सो लेट्स से अगर किसी बच्चे ने, अगर मेरा कोई स्टूडेंट है, अगर वो रूरल मैनेजमेंट करता है, राइट, क्या वो बैंकिंग में जा सकता है, क्या वो FMCG में जा सकता है, एंड वियर्डिस ऑफ द वियर्डिस, क्या वो बंदा IT में भी जा सकता है, ये पॉसिबल है क्या? कैन यू एक्सप्लेन अस इन अ डिटेल्ड मैनर कि अम्ब्रेला प्लेसमेंट एट वेलिंगर क्या होता है? Hi guys, welcome to this podcast. By the way, ये campus आपने देखा होगा, we are in Mumbai, Wellinger campus. थोड़ा देख के आपको लगा होगा कि अरे कहाँ पे गांव में है. This is Mumbai, Wellinger campus. I have Rashna ma'am with me. Ma'am basically heads rural management program at Wellinger Mumbai. Ma'am, my first question to you. जब कोई बच्चा rural MBA करता है या फिर rural management करता है, ऐसा है क्या कि उसको जॉब गांव में ही मिलेगी, किसी यू नो रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यू नो महाराष्ट्र या फिर यू नो लेट्स से केरला या फिर यू नो नॉर्थ में कहीं पे? एक बार ये मिथ जो है ना वो एक बार आप प्लीज क्लियर कर दो बहुत सारे बच्चों के लिए. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी एप्ट क्वेश्चन, आई वुड से दैट. थैंक यू मैम. सो देयर इज अ मिथ अमंग द स्टूडेंट्स इन इवन अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स दैट आफ्टर कंप्लीटिंग रूरल मैनेजमेंट प्रोग्राम दे हैव टू गो एंड स्टे इन टू रूरल एरिया. लेट मी टेल यू, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग मिथ. 100% wrong. 100% wrong. Absolutely wrong. Okay. The thing is that after completing rural management program, the students are premium for their rural knowledge. So they can sit in the headquarter, in the Nariman Point, maybe in any metros, and they can strategize the rural policies or the framework for the rural market. So their knowledge is important. It's not that they have to go and stay into the interior part of the rural area. Absolutely not. So, इसका मतलब क्या है ना कि आपको गांव में जाके वहाँ पे फील्ड पे काम नहीं करना है. आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे रूरल डेवलपमेंट के लिए. अगर आपकी कोई कंपनी है जिसका रूरल मार्केट है, फॉर एग्जांपल FMCG कंपनीज, ITC वगैरह, तो ITC के जो भी या फिर जो भी वर्क फोर्स है, जो बॉम्बे में बैठी है, दिल्ली में बैठी है, बट दे नो कि यू नो रूरल में जाके ITC को कैसे बढ़ावा देना है, उसे प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं, नॉट नेसेसरली कि वही वहाँ पे जाके काम करे. एग्जैक्टली, ग्रेट. तो बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम रूरल का मतलब वहाँ पे जाके काम करना है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. एंड इनफैक्ट यू नो आवर मोर देन 65% पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरिया. इट्स अ ह्यूज मार्केट फॉर द कॉर्पोरेट्स. नो वन वांट टू मिस दैट मार्केट और द अपॉर्चुनिटी टू फ्लरिश इन दैट मार्केट. सो दैट्स द रीजन ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज आर फोकसिंग ऑन रूरल मार्केट. एंड टू कैटर द नीड ऑफ दिस मार्केट्स, कंपनीज इनफैक्ट लुकिंग फॉर अ मैनेजर्स हु कैन अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ रूरल मार्केट. दैट इज राइट. नहीं, बिकॉज मैम क्या है ना कि बच्चों को ये नहीं पता है कि ऐसा भी कुछ होता है. Okay. हमें लगता है कि जैसे बैंक मैनेजमेंट मतलब आप बैंक में काम करोगे, तो रूरल मैनेजमेंट का लोगों को लगता है कि हमें एक्चुअली रूरल में जाके वहाँ पे कुछ करना पड़ेगा. बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर क्लियरिंग दिस. वन फॉलोअप क्वेश्चन ऑन दिस मैम, इफ यू वांट टू आंसर दिस, कैन यू गिव मी लिटिल बिट ऑफ रोल्स जहाँ पे बच्चा बॉम्बे में बैठा है, नरीमन पॉइंट में बैठा है या फिर दिल्ली में बैठा है, और ऑफिस में बैठ के वो काम कर रहा है बट रूरल मार्केट को कैटर कर रहा है. कैन यू नेम फ्यू ऑफ दिस प्रोफाइल? या, so of course I can name a few profile, but I can name few companies as well wherein the students are actually working, our past alumni. So our one of the students Akhil is the VP heading the ESG vertical for one of the MNCs banks. And you can take name of any companies. All the companies are having footprint into the rural area. You yes, can take, beat ENY, yes, even banks, yes, FMCG, Pidilite's, HUL, yes, NABARD, Axis Bank, right, all the banks, FMCG, FMCD, everywhere rural students are getting very placed. Very true. And let me tell you, we are getting very good response since the inception of the program, not just for the domestic market, but for the international market as well. So we had recently, we had an international placement and we have, I mean, students are getting placed. Even the international placements are given at Wellinger, yes, Mumbai. Yes, exactly, for the rural Fantastic. Students. And let me tell you, the highest package got to the rural students amongst all the program. Yeah, would you mind quoting the number placement ka? Yeah, it's 24 lakhs plus, and in fact I can take the name of the company as well. Please. Yeah, it's a Landmark Group. That's nice. Any idea about the profile ki bacha kya karega exactly isme Landmark Group mein? So it's a mixed profile. So at the beginning he'll getting exposed to all the verticals of the company, and later on based on his skill sets he'll get the appropriate location or the profile. That was the commitment company has given us. Fantastic. So, ye mostly general management wala profile ho gaya, ma'am. Waise dekha jaye to. Yes. That is nice. Ma'am, my next question to you is, so let's just say, agar kisi bachche ne, agar mera koi student hai, agar wo rural management karta hai, right? Kya wo banking mein ja sakta hai? Kya wo FMCG mein ja sakta hai?
एंड वियर्डिस ऑफ द वियर्डिस, क्या वो बंदा आईटी में भी जा सकता है? ये पॉसिबल है क्या? ओके, सो सी द एडवांटेज हियर इज दैट इट्स अ जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम, सो स्टूडेंट्स आर ओपन फॉर ऑल द वर्टिकल्स. वो एफएमसीजी में भी जा सकता है, बैंकिंग में भी जा सकता है, और मार्केटिंग रोल में, फाइनेंस में, ऑपरेशंस में, कहीं भी जा सकते हैं. वेयर एज अगर इफ ही वांट्स टू गो फॉर द स्पेशलाइजेशन, सो ही विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली टू ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, बट हियर ऑल द अपॉर्चुनिटीज आर ओपन फॉर हिम. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट यू आर आस्किंग अबाउट द बीएफएसआई सेक्टर. या so this is a huge market and there's a lot of buying for the rural students from the BFSI sector. The reason being that RBI made it mandatory because of the priority sector lending. So it is mandatory for is all right. the banks to complete right. the target, and Absolutely for that right. rural managers are the appropriate candidate. Now just to add in here, because I belong to finance, right? Primary lending ka jo aapne example diya, that is absolutely right, because नॉट ओनली इंडियन बैंक्स बट यार आपके जो फॉरेन बैंक्स हैं उनको भी ये टारगेट करना होता है. अगर आप देखोगे ना, एच एस बी सी से लेके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लेके, एस बी आई से लेके, एक्सिस से लेके, आपको हर जगह रिमोट प्लेसेस में भी ये बैंक्स आपको फंक्शनिंग करते हुए दिखेंगे. एंड अगेन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मैम, अगर इंडिया को ग्रो करना है, जो बजट में कहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री एंड रूरल हैज टू ग्रो साइमल्टेनियसली, अदरवाइज कंट्री वोंट बी एबल टू ग्रो. तो अगर आप बी एफ एस आई में जाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा स्कोप है वहाँ पर, तो रूरल मैनेजमेंट वाला बच्चे को मेरे ख्याल से प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर एंड अबव एनी अदर प्रोग्राम एज सच फॉर द रूरल मार्केट. ऑफ कोर्स कंपनी प्रेफर्स एंड इवन गवर्नमेंट इज आल्सो सपोर्टिव. इफ यू कैन सी द रिसेंट बजट, गवर्नमेंट इज आल्सो गिविंग लॉट ऑफ एम्फेसिस टू द रूरल एरिया. सो द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आर द गोल्डन एरा, वी कैन से फॉर द रूरल. पर मैम फिर ऐसे गांव में जाके बैठना नहीं पड़ेगा ना, उसका ब्रांच नो, एब्सोल्युटली नॉट, उसको गांव में जाना ही नहीं है. अच्छा ठीक है, परफेक्ट है. मैम आईटी में जा सकते हैं क्या बच्चे रूरल करके? हाँ जा सकते हैं. हमारी प्रीवियस प्लेसमेंट हैड हैपेंड इन द आईटी, इवन विप्रो में हुआ है. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपने अभी हाँ बोल दिया, सो आई एम लिटिल इंक्विजिटिव नाउ. यस, आप मुझे बता सकते हो कि एक रूरल मैनेजमेंट का बच्चा आईटी में जाके क्या करता है और क्या प्रोफाइल्स है? सी एट द एंट्री लेवल द बेसिक क्राइटेरिया इज द स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट्स. So he could be from the engineering background. So we do have students who are IT background. Right, and even arts, commerce, science, and the freshers as well as some work students are also having. Achha, achha. Here the important thing is that our placement happens in the common pool, in the common umbrella. That's called as umbrella placement. Yes. Okay. Since we have an umbrella placement, so even rural students are also having equal opportunities to sit for all the companies those are coming for the placement in the campus. So that's nice. The reason. Yes. So if they have an inclination, so they can sit for the process, and students did it in the past. So it's possible that a person can get into IT also. Of course. Perfect. Now ma'am, another follow-up question on this. Can you explain us in a detailed manner ki umbrella placement at Wellinger kya hota hai? Ya phir umbrella placement ka concept kya hai? Ek bari wo samajhna hai hame. Advantages bata do please. Okay. So here umbrella placement means Wellinger are having so many different programs. Like rural is also one of the programs that Wellinger offers. But here the placement happens in common pool, means umbrella placement. So means if one company comes for the placement, so it's not that rural students are not a part of that placement process. He or she will get an equal opportunity to sit for the process like other students. All the program students can sit for that company, whoever comes for the placement here. So let's just say if ICICI Bank comes on the campus, right? 10 lakh का पैकेज है आपका, फाइन. आप वेलिंगर में कोर में हो, ई बिज में हो, बिजनेस डिजाइन में हो, रूरल में हो या रिटेल में हो, अगर आपको वो रोल अच्छा लगा, आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल भी हो जाओ. एलिजिबल होते हैं, प्लेस भी होते हैं, प्लेस भी हो जाते हैं. हाँ, वो इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज अ वेरी कूल कंसेप्ट अम्ब्रेला प्लेसमेंट का, विच मेरे ख्याल से वेलिंगर इंस्टीट्यूट यू नो रन्स इट, एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल थिंग. बाय द वे, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिजनेस एनालिटिक्स में जाते हैं, यू नो, जो रूरल में आते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे रिटेल में भी आते हैं, एंड दे गेट इनटू अ वेरी गुड कंपनी. तो वैरायटी होता है आईटी वगैरह सब जगह, बैंकिंग वगैरह में भी बच्चे जाते हैं. सो मैम, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एनी पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर साइड फॉर स्टूडेंट्स हु आर गनिंग फॉर एमबीए नाउ? या, सो द एडवाइस वुड बी, सिंस द कॉर्पोरेट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ रूरल मैनेजर्स, राइट, बिकॉज इट्स अ बिग मार्केट एंड टू कैटर द नीड ऑफ दिस मार्केट दे वांट रूरल मैनेजर्स. सो दोज स्टूडेंट्स आर हैविंग एस्पिरेशन टुवर्ड्स द रूरल एरिया एंड दे मे बी फ्रॉम द एनी डिसिप्लिन, एनी स्ट्रीम बिलोंग्स टू, बिकॉज द क्राइटेरिया इज बेसिक ग्रेजुएशंस. So there's an enormous opportunities for them nationally and internationally, because student would be premium for their rural knowledge. They can
they can represent the grassroots as well as boardroom after completion of this program. So if you want to embark the beautiful journey of management education with rural insights, this is the right program for you. Absolutely fine. मेरा एक always take होता है, मतलब this is what I want to say, कि मान लो अगर आपका कोर नहीं होता है वेलिंगर में, जिसके परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, हाई है, आप रूरल में आ जाओ, आप अम्ब्रेला प्लेसमेंट में बैठ जाओ, आपकी जॉब फिर भी लगनी है. हाँ, होता है, ऐसा होता है. मैं तो दिस इज द वे आई प्रॉबली वांट टू लुक एट इट. तो यार एडवांटेज आपके लिए बहुत है, अगर आप रूरल मैनेजमेंट भी आते हो, यू लर्न समथिंग न्यू, प्लस यू गेट अ प्लेसमेंट ऑल्सो. मैम थैंक यू सो वेरी मच फॉर सेलिंग सम टाइम आउट फॉर अस, एंड यू कैन फॉलो मैम ऑन लिंक्डइन, यू नो लॉट ऑफ इनसाइट्स यू कैन गेट फ्रॉम मैम. And अगर आप वेलिंगकट मुंबई में आते हो, सो शी विल बी टीचिंग रूरल मैनेजमेंट, इज़न्ट इट? यस, फैंटास्टिक मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट. थैंक यू, बाय गाइज़.